सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप लोग एक पैन कार्ड की एप्लीकेशन भरते हैं और वहाँ लास्ट जब आप लोग को फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करनी होती है। अब देखिए, आप लोगों की पेमेंट फेल हो रही है, मल्टीपल टाइम आप उसको रीइनिशिएट कर रहे हो और मल्टीपल टाइम आपकी पेमेंट फेल हो रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो आज वीडियो में सोल्यूशन बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। कोई भी इसका जो स्टेप है, जो वीडियो को स्किप नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, क्योंकि तभी आप लर्न कर पाओगे कि अगर आप लोगों की पेमेंट फेल हो रही है पैन कार्ड एप्लीकेशन में तो उसको कैसे आप लोग एक ही बारी में जो आपका फॉर्म है वो आप लोग कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब भी आप कोई पैन कार्ड अप्लाई करते हैं या पैन कार्ड में करेक्शन करते हैं तो दोनों ही केसेस में आप लोगों को फीस देनी होती है, 110 से 105 रुपये के आसपास लगती है। ये चेंज होती रहती है अगर आप लोग फिजिकल पैन कार्ड बनाते हैं, या फिर अगर मेल पे ले रहे हैं तो कम लगती है। अगर फिजिकल पैन कार्ड बनाते हैं प्लास्टिक वाला तो उसमें आप लोग को फीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप एक फॉर्म भरते हैं सारी एप्लीकेशन में सारे डिटेल डालते हैं, सही डिटेल डालते हैं, और लास्ट में जाके आप लोगों को पेमेंट करना होता है, वहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, पेमेंट फेल हो जाती है बहुत बारी टाइम। देखिए, रीजंस इसके मल्टीपल हैं। पहला रीज़न जो होता है कि आप लोग जो फॉर्म भरते हैं वहाँ पे आप लोग टाइम ज़्यादा लेते हैं, मतलब फॉर्म जैसे हर एक पोर्टल का लिमिट टाइम होता है कि ये फॉर्म आप लोगों को 5 मिनट में भरना है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगाते हैं और मतलब आप लोगों का जो सेशन है वो फेल नहीं होता है, तो वो आपका जब पेमेंट के टाइम, जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तब आपका सेशन फेल होगा। तो ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेके बैठने हैं, इन्फॉर्मेशन लेके बैठने हैं, उसके बाद ही आप लोगों को जो पैन कार्ड एप्लीकेशन है वो आप लोगों को भरनी है या करेक्शन करना है। सेकंड चीज़, अगर आप लोगों की पेमेंट मल्टीपल टाइम फेल होती है तो आप लोगों को फॉर्म रीइनिशिएट नहीं करना है, मतलब आपको स्टार्टिंग से फॉर्म नहीं भरना है। आप लोगों को हमेशा टोकन नंबर मिलता है और हर फॉर्म में आप लोगों को सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है कि आप लोग को देखिए फॉर्म में जब आप ऊपर देखते हैं वहाँ पे आप जब सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो वहाँ पे ऊपर आप लोगों को सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन आता है। उन जो एप्लीकेशन होती है उसको आप लोगों को हमेशा सेव ड्राफ्ट करना है जब भी आप एप्लीकेशन भर रहे होते हो, ताकि इन फ्यूचर आप लोग अगर पेमेंट फेल होती है या आप लोगों का नेट चला जाता है, कुछ भी होता है, कोई भी मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, उस केस में आप लोगों को आपका जो टोकन नंबर होता है, जो आप लोग पैन कार्ड एप्लीकेशन का जो पहला भरते हैं उसमें आप लोगों को टोकन नंबर जनरेट होता है, वो टोकन नंबर डालना है। वो टोकन नंबर जब आप डालेंगे तो जहाँ पे आप लोगों ने फॉर्म, जहाँ पे आप लोगों ने छोड़ा होगा वहीं से वो फॉर्म रीइनिशिएट हो रहा था। आप लोगों को स्टार्टिंग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से बार बार आप लोगों को टोकन जो नंबर होता है वो लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप लोग की पेमेंट फेल हो रही है तो या तो एक टाइम आप लोग टाइम पे वो जो फॉर्म है वो फिल करना है, 1 या 1.5 मिनट 2 मिनट, मतलब मैक्सिमम टाइम आप इतना ले सकते हो, क्योंकि 3 ही फॉर्म होते हैं और उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि आप लोग को कोई बाहर से इन्फॉर्मेशन डालनी है। आप लोगों को पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, आप लोग को हाउस नंबर मतलब एड्रेस डालना होता है, अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी होती है, या फिर आपको आधार कार्ड का कोई भी जो इन्फॉर्मेशन वो डालनी होती है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस किस तरह के प्रोसेस में क्या वीडियो मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को सबमिट करने होते हैं, वो वीडियो पे आप लोग जाके देख सकते हो। और साथ में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन या फिर आप डॉक्यूमेंट लेके बैठने जब भी आप लोग पैन कार्ड बनाते हैं या उसमें करेक्शन कराते हैं। तो ये कुछ मेथड था, कुछ आप लोग को जो मैंने बताया आप लोग को, इसी तरीके से आपका जो फॉर्म है वो डिक्लाइन होता है या पेमेंट फेल होती है। तो टाइम पे आप लोगों को फॉर्म भरना है, साथ साथ अगर पेमेंट डिक्लाइन हो रही है तो वहाँ पे आपको टोकन नंबर डाल के वहीं से आप लोगों को पेमेंट करनी है। तो ये कुछ तरीका था जब आप लोगों को पैन कार्ड एप्लीकेशन की पेमेंट फेल होती है तो उसको आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड वीडियो दोस्तों का शेयर कीजिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हर हफ्ते इस चैनल के ऊपर ऐसे एजुकेशन कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए, सो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।